Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about the Taylor Swift concert जो ब्राज़ील में हुआ था. And organizers really messed up. हीट काफ़ी ज़्यादा था, एक्सट्रीम अमाउंट में क्राउड आ गया था. स्टिल लोगों को पानी के बॉटल्स कैरी करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से एक यंग लड़की की जान चली गई जो टेलर की फैन थी एंड ये कॉन्सर्ट एंजॉय करने आई थी. अभी हु इज एट फॉल्ट हियर? सी द मेन इशू हियर वॉज कि जहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ था ब्राज़ील में, वो स्टेडियम में वाटर बॉटल्स को अलाउ नहीं किया जा रहा था. अभी इतने गर्मी में जब लोग कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हैं, टेलर स्विफ्ट के साथ गा रहे हैं, देन ऑब्वियस ही चीज़ है कि लोग डिहाइड्रेट होंगे, उनको पानी की जरूरत पड़ेगी. एंड इट इज़ बेसिक, पानी इज मस्ट, क्योंकि कई घंटों तक कॉन्सर्ट्स चलते हैं. प्लस ब्राज़ील के वो स्टेडियम में सीट्स नहीं थे, जैसे दूसरे अमेरिकन कॉन्सर्ट्स के कुछ लोकेशन के दौरान आपने देखा होगा, वहाँ पे सीट्स है एंड लोग अपने असाइंड प्लेस पे खड़े होकर कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं. तो वो सेटअप ब्राज़ील में नहीं था. कई लोगों ने ये चीज़ ना कॉमेंट्स में पॉइंट आउट किया है दैट टेलर स्विफ्ट का जहाँ पे भी यूएस में शो वगैरह हुआ था वहाँ पे सीट्स थे, जिस वजह से दो क्राउडेड था प्लेस, पर एटलीस्ट वो सीट्स के वजह से ना बीच में स्पेस रहता था कि एक पर्सन यहाँ से वहाँ मूव कर पाए. अगर किसको पानी चाहिए रहता ना, उनके पास बॉटल नहीं है, तो वो इजीली वाटर डिस्पेंसर तक जा सकते थे. बट प्रॉब्लम विद ब्राज़ील स्टेडियम वाज कि पहले तो वहाँ पे सीट्स नहीं थे एंड खुद का वाटर बॉटल कैरी करने नहीं दिया जा रहा था. जैसे ही एंट्री अलाउ किया गया ना, इमेंस अमाउंट में क्राउड अंदर चली गई जो खड़े होके कॉन्सर्ट एंजॉय करने वाले थे. एंड स्टेडियम्स में ना दूर दूर वाटर डिस्पेंसर थे एंड अगर किसको पानी चाहिए रहता तो उतना कॉर्नर में जाके उन्हें वो लेना पड़ता, पर वहां तक जाना इन अ वे पॉसिबल नहीं हो रहा था, बिकॉज इतने सारे लोगों के बीच में से जाना, वहां तक पहुंचना, देन रिटर्न आना, दैट वॉज समथिंग जो इजीली नहीं हो पा रहा था. प्लस स्टेडियम्स के स्टॉल्स पे जो पानी बेचा जा रहा था वो काफी एक्सपेंसिव था. तो दिस वॉज रियली मेस्ड अप. इवन एथिकल नहीं था ये चीज. When you know कि वेदर इतना हार्श है तो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज को कैरी करने से रोकना was not fair. कुछ कॉमेंट्स ऐसे भी थे जहाँ पे लोग ना टेलर स्विफ्ट को ब्लेम कर रहे थे बिकॉज दे अज्यूम कि इट वॉज टेलर हु डिड नॉट अलाउ हर फैंस टू ब्रिंग वाटर. कॉमेंट्स लाइक दैट इज जस्ट ऑफुल, आई एम सॉरी बट वाटर बॉटल्स शुड हैव बीन गिवन राइट फ्रॉम द स्टार्ट, हाउ कैन अ सिंगर नॉट अलाउ वाटर बॉटल्स, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट टेलर डिसाइड्स. एंड ये चीज कई लोगों ने कॉमेंट्स में क्लियर भी की. It wasn't Taylor's decision. It was because of the stadium's rule and the production company supplying access to water. It is very likely that she did not even know about the venue rules for participants. Past mein itne sare locations pe concert hua hai, par wahan pe aisa koi issue dekhne nahi mila because pani allowed tha. Ye specific stadium ke jo organizers the, unhone ye rule banaya tha. Ab ye Brazil ka incident jab aa raha hai, tab Brazil ki kai audience thi jo comments via ye issue ko utha rahi thi ki Brazil ke kai stadiums mein aise rule ko follow kiya jata hai. पानी के बॉटल्स अलाउ ही नहीं किए जाते एंड दिस इज रॉन्ग, ये चेंज होना चाहिए. वो खुद ये डिमांड कर रहे हैं. तो ये जो प्रॉब्लम है वो उस लोकेशन में ऑलरेडी है एंड दिस इज समथिंग जो लोगों को ना टॉलरेट नहीं करना चाहिए. कई लोग अभी ये बोल सकते हैं कि अरे सेफ्टी रीजन से दे आर सेइंग दिस कि सब बॉटल्स लाएंगे एंड मानो लोगों ने वो फेंकना शुरू कर दिया तो विदाउट रीजन इशू क्रिएट होगा. एंड चलो मान लिया कि सेफ्टी के चलते दे आर डूइंग दिस, पर फिर इसका उनको ना सोल्यूशन ढूंढना चाहिए था. कई घंटों तक प्यासे रहो, जब कॉन्सर्ट हो जाएगा तब पानी पियो, ये सोल्यूशन नहीं होता. लोग डिहाइड्रेट होंगे ही होंगे. कुछ क्राइटेरिया वो रखते कि बॉटल का साइज इतना होना चाहिए, ज्यादा बड़ा बॉटल आप नहीं ला सकते, या खुद वो ऑर्गेनाइजर्स ना फ्री पानी अवेलेबल करके देते जो एक्चुअल में इजीली एक्सेसिबल है, नॉट अ वाटर डिस्पेंसर जो इतना कॉर्नर में है कि लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाए. ये ऑर्गेनाइजर्स का फॉल्ट है, इवेंट के पहले उन्हें ये सब सॉर्ट करना चाहिए था. और लगता नहीं वहां के स्टेडियम्स में ये इंसिडेंट्स ना पहले बार हुआ होगा कि डिहाइड्रेशन की वजह से इतना ज्यादा कोई रिस्क में आ गया हो. जस्ट दैट इस बार टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में क्यों किया हुआ तो ये इंसिडेंट्स को अटेंशन मिला, वरना इसके पहले हु नोस कितने ऐसे केसेस ऑर्गेनाइजर्स ने दबा दिए होंगे. अभी जिस यंग लड़की की जान गई है, शी वॉज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड. इट इज सेड कि एक्सेसिव हीट की वजह से शी सफर्ड अ हीट स्ट्रोक एंड फेंटेड. मेडिक टीम फिर वहां पे आई एंड मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड किया गया, पर इट वॉज ऑलरेडी टू लेट. स्टिल अभी तक अथॉरिटीज ने ये कंक्लूजन नहीं बनाया है कि डिहाइड्रेशन की वजह से दिस हैपेंड. इन्वेस्टिगेशन चालू है एंड वो भी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ओपन किया गया है टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ये क्यों हुआ एंड कौन रिस्पॉन्सिबल है. एंड ये जब हुआ उसके बाद टेलर स्विफ्ट की टीम ने डिसाइड किया टू पोस्टपोन द कॉन्सर्ट क्योंकि एक्सट्रीम हीट था एंड वो वेदर में उन्हें कंटिन्यू नहीं करना था. इवन टेलर ने एक स्टोरी वाया ना ये इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हुए ग्रीफ एक्सप्रेस किया. नाउ सम ऑफ यू में से कि दैट इज वेरी इनसेंसिटिव कि कॉन्सर्ट सिर्फ पोस्टपोन किया गया, इट शुड हैव बीन कैंसल्ड. पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सब इतना इजी नहीं होता. मैग्नीट्यूड सोचो कि कितने लोग ये शो से जुड़े हुए हैं एंड अगर वो कैंसिल होता है तो कौन कौन अफेक्ट होगा. पहले तो हजारों लोगों को ऑलरेडी टिकट सेल करके हो गया है, लोग दूर दूर से ये शो को देखने के लिए आए हैं, होटल्स वगैरह वो बुक कर चुके हैं. तो अगर वो शो कैंसिल किया जाता है तो इट मे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड फैंस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे. रीजन बीइंग उनके पैसे खर्च हुए, कौन उनको कॉम्पेंसेट करेगा. तो शो को पोस्टपोन करना एक वाइज डिसीजन था. ऑल्सो ये कॉन्सर्ट के दौरान ये कुछ क्लिप्स भी देखने मिले हैं जहाँ पे ये दिख रहा है कि लोग चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे हैं कि उन्हें पानी चाहिए. एंड टेलर ये सुन के अपना परफॉर्मेंस रोकती है एंड अपने टीम को बोलती है दैट प्लीज प्रोवाइड वाटर टू देम.
right here. Yeah! Maybe 40 feet back. They're you holding too, a pump to save water. We need water! So whoever is charged giving them that, just kind of make sure that happens. Can I get a signal that you know where they are? Do you Everybody! See the phones? Is it good? Water, are we getting to water, you or not? इवन कुछ क्लिप्स में वो खुद पानी की बॉटल्स भी थ्रो करी है। तो ये जो काम था वो ऑर्गेनाइजर्स का था, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड ये चीज़ें उन्होंने बिल्कुल भी ठीक से मैनेज नहीं की है। आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आता है एंड उसको देखने के लिए जो उसके फैंस आते हैं उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोकेशन के ऑर्गेनाइजर्स पे है। एंड अगर आप इतने ज़्यादा क्राउड को मैनेज नहीं कर सकते तो डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमेजिन शो एंजॉय करने की जगह लोगों को पानी पानी चैंट करना पड़ रहा है, कितना मेसी होगा वहाँ का मैनेजमेंट। एंड इस तरीके के मिस्टेक्स ना पहले भी कॉन्सर्ट्स में हो चुके हैं, जैसे ट्रैविस स्कॉट का एक कॉन्सर्ट था, काइली जेनर्स एक्स बॉयफ्रेंड, उसके कॉन्सर्ट के दौरान जितना क्राउड हैंडलिंग स्पेस था ना उससे कई ज्यादा लोगों को अंदर एंट्री दी गई थी, जिस वजह से लोग पैक हो गए थे, हिलने की जगह नहीं थी, दे वर स्टक। इनिशियली फैंस को ये इशू नहीं लग रहा था बिकॉज उनको परफॉर्मेंस से मतलब था, ट्रैविस स्कॉट को देखने से मतलब था। बट धीरे धीरे करके जब लोग एग्जॉस्ट होते गए शो के दौरान, जब वो थकते गए, तब कई लोग फेंट होने लगे। जितना कैपेसिटी था वो स्पेस का उससे कई ज्यादा लोगों को ना एंट्री दी गई थी, जिस वजह से वो जगह में कई लोग दबने लगे थे, उनको सांस नहीं आ रहा था, इमेंस प्रॉब्लम हो रहा था, एक दूसरे को लोग पुश कर रहे थे, गिर रहे थे एंड कॉन्सर्ट से बाहर निकलना भी ना पॉसिबल नहीं था। ऑर्गेनाइजर्स की ये गलती की वजह से 10 लोगों की जान गई थी वो शो के दौरान। ट्रैविस के सामने लोग फेंट हो रहे थे पर उसने शो को नहीं रोका, फॉर सम रीजन ही कंटिन्यूड द परफॉर्मेंस, एज इफ उसके सामने ये जो धक्का मुक्की हो रहा था वो चीज उसको इतनी वरीसम नहीं लगी। एंड दैट्स रियली मेस्ड अप। एंड ये दिखाता है कि एट टाइम स्टेडियम की जो मैनेजमेंट टीम होती है वो काफी ज्यादा केयरलेस रहती है। दिस शुडंट बी समथिंग जो लोगों को ना एडजस्ट करके लेना चाहिए कि अरे इतना तो होता है। अगर आप ऐसे कॉन्सर्ट्स में जा रहे हो तो सेफ्टी को प्रायोरिटी दो एंड जस्ट ये चीज पे ध्यान मत दो कि अरे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में परफॉर्मेंस देखने जाना है। ऐसे जगहों पे ना विद इन नो टाइम स्टैम्पीड का माहौल क्रिएट हो सकता है। सो सारा ड्यू डिलीजेंस करके यू डिसाइड कि स्टेडियम में पास्ट में कैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, क्या उन्होंने प्रॉपरली वो किया है, क्या चीजें अलाउड है, पानी अलाउड है कि नहीं, क्या फैसिलिटीज है, सब देख के यू शुड डिसाइड। आर्टिस्ट से प्यार करने में प्रॉब्लम नहीं है पर खुद को भी प्रायोरिटी देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेन्यू में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है एंड इतना कैपेसिटी नहीं है लोगों को हैंडल करने का, देन वैसी जगह अवॉइड करो अगर आपको पता है कि काफी फेमस आर्टिस्ट वहाँ पे आएगा, बिकॉज इट इज प्रीटी क्लियर कि ऑर्गेनाइजर्स हार्डली केयर अबाउट क्राउड्स वेलबींग। उनको टिकट्स बेचने से मतलब है, फिर जितना अलाउड है उससे ज्यादा भी लोग आ गए तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो खुद का ध्यान तुमको ही रखना है। एन आर्टिस्ट के हाथ में भी ये सब नहीं होता व्हेन इट कम्स टू स्टेडियम रूल्स। वो अलग अलग लोकेशन पे ट्रैवल करते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन से जगह पे कौन सा रूल अप्लाई किया जा रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ब्राजील के स्टेडियम्स में जो रूल फॉलो किया जा रहा है कि पानी आप नहीं ला सकते, इस पे व्हाट यू हैव टू से।